दिल्ली में जंतर मंतर पर पुलिस और पहलवानों के बीच हुई झड़प के बाद से किसान भड़के हुए हैं। किसान भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न संगठनों ने आज अम्बाला DC ऑफिस पर धरना दिया। 2 घंटे तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह का पुतला फूंका। किसानों ने DC अम्बाला के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने कहा कि जब तक आरोपी ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसान नेता बाजिंदर सिंह ने कहा कि सरकार बेटियों पर अत्याचार कर रही है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का भी अधिकार नहीं छोड़ा है। 5 जून तक सरकार को अल्टीमेटम दिया हुआ है। 5 जून को कई खाप और यूनियनों की महापंचायत होगी। अगर दिल्ली पुलिस फिर भी आरोपी ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार नहीं करती तो महापंचायत में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। उधर भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप ने 4 जून को महापंचायत करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पहलवानों के समर्थन में 4 जून को जिला सोनीपत के गांव फुंडलाना महापंचायत करेंगे। इसके लिए किसान पूरी तैयारी से निकलेंगे। सरकार में दम है तो वो उन्हें रोक कर दिखाए। इस महापंचायत में पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक भी विशेष रूप से शिरकत करेंगे। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार। गुरु फतेह। आदाब। नमो बुद्धा।